अगली खबर में बात करते हैं दुष्कर्म और अपहरण को लेकर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों को निस्तनाबूद करने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उनके निस्तनाबूद करने की धमकी और बुलडोजर का असर अपराधियों पर दिखाई नहीं दे रहा है। आम जन भले भयभीत हो, लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि अपराधियों पर खौफ नहीं है। लगातार दुष्कर्मियों के घरों में प्रशासन बुलडोजर चला रहा है, लेकिन दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। खासकर मऊगंज अनुभाग में दुष्कर्म की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। ताजा मामला मऊगंज थाना क्षेत्र के वनपाडर गांव में सामने आया है, जहां रास्ता रोककर युवती का अपहरण किया गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि पीड़िता अपने घर से पड़ोस में जा रही थी, तभी आरोपी उसका अपहरण कर अरहर के खेत में ले गया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद किशोरी घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन युवती को लेकर थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि मऊगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला आरोपी अजय यादव ने अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एक माह में आधा दर्जन दुष्कर्म गैंगरेप की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चलने वाला बाबा का बुलडोजर यूपी में तो असर छोड़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में मामा के बुलडोजर का असर अपराधियों पर नहीं हो रहा है।